ये जो जमीन जायदाद के फैसले होते हैं ना, ये ऐसे चुटकियों में नहीं हो जाते, सालों लग जाते हैं इनके फैसले आने में। अब एक बात बताओ, क्या शादी तुम सालों बाद करोगे? मैं अब मैं शादी के लिए सालों तो नहीं इंतजार कर सकता ना। तो फिर भैया तुम ही बता दो क्या करूं। एक मशवरा है मेरे पास, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरी शादी करवा दें जैसे हमने तैयारी की है, और जैसी उनको जायदाद में से हिस्सा मिलेगा वो आप। हरगिज नहीं, वाद नहीं होगा कुछ भी, जो भी होगा नकद के नकद होगा। अरे अगर नहीं दे सकते अपनी बेटी को वो जहेज तो ठीक है, देख ले उसके लिए कोई और रिश्ता। ये तो मेरे साथ ज्यादती है ना। देख मोहसिन, मैंने पहले भी ना तेरी खुशी की वजह से हाँ की थी शादी के लिए, लेकिन अब ये शादी तभी होगी जब वो जहेज देंगे, वो भी मेरी मर्जी के मुताबिक। बस खत्म हो गया मजाक। और तुम भी कान खोल कर सुन लो मेरी एक बात, तुम्हारे लिए ना रिश्तों की कोई कमी नहीं है, अरे हजारों रिश्ते हैं तुम्हारे लिए। और बता देना वो अपनी साइमा बेगम को भी, अपनी खामोश रहने वाली मैं, बहुत हो गया। अरे बस छोड़, बात कर लेते हैं, तो मम्मी को समझाओ ना। नीलो यार,